फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। यस वी कैन हियर, दिस इज पलाश यादव सुप्रीम क्लासेस आपका फिर से स्वागत करती है एरिया रिलेटेड सर्कल ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ द एक्सरसाइज ऑफ एनसीईआरटी मैथ्स बुक। यहाँ पर कॉन्सेप्ट हम देखने वाले हैं भैया सर्कल का, क्या एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सर्कल की बात होगी यहाँ पे। देखिए सर्कल की दुनिया की बात कर रहा था मैं, सर्कल बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे जीवन में। बात करें सर्कल, हमारी आई जो है, हमारी जो आई में आई लेंस है वो भी क्या है, सर्कुलर है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए हमारे जीवन में सर्कल का होना बहुत अहम है। सर कैसे, अगर आपने किसी आपने किसी टेप को देखा वो भी कैसा होता है, सर्कुलर होता है। अगर आपने किसी प्लेट को देखा वो भी क्या होती है, सर्कुलर होती है। अगर आपने इफ यू टॉकिंग अबाउट थाली, थाली भी कैसी होती है, सर्कुलर होती है। यस और नो, इफ यू टॉकिंग अबाउट फैन, फैन का जो भी फॉर्म होता है, फैन का जो भी शेप होता है वो भी कैसा होता है, सर्कुलर होता है। इफ वी टॉकिंग अबाउट बाइसाइकल, उसके जो भी व्हील्स होते हैं वो भी कैसे होते हैं, सर्कुलर होते हैं। तो सर्कल की दुनिया हमारे जीवन को बहुत ही ज्यादा क्या कर रही है, इन्फ्लुएंस कर रही है। ये सारी बातें दैनिक जीवन में, डे टू डे लाइफ में हम सर्कल का यूज करके कर रहे हैं। तो इस हिसाब से भी चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर्कल टेप हो गया, प्लेट हो गया, ठीक है, बॉटल का ढक्कन भी लिख लो यहाँ पे, ठीक है, बॉटल का ढक्कन, ठीक है भैया, ढक्कन ढक्कन बॉटल का ढक्कन के बिना जीवन में चलिए। बड़ा ही शानदार चैप्टर ये। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो हमें ध्यान रखनी है, बॉटल टेप प्लेट दिस ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, दे आर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। आई बात समझ में, चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, हम यहां पर बात करने जा रहे हैं बड़ी शानदार। देखिए ये एक सर्कल है, दिस इज व्हाट, ये एक सर्कल, सर्कल अ लाइन विच पासिस टू सेंटर टू अ सर्कल, कहां से, सेंटर टू अ सर्कल, सेंटर से कोई लाइन पास होगी जो सर्कमफेरेंस को, इसकी बाउंड्री को टच करती है। जब टच करेगी तो ये क्या कहलाएगी, रेडियस कहलाएगी। इसी पॉइंट से हम इसी रेडियस को आगे बढ़ा दें तो क्या कहलाएगा, ये डायमीटर कहलाएगा। रेडियस बड़ी के डाया बड़ा, सर डायमीटर, सर ना यहां से लेकर यहां तक होता है डायमीटर, तो डायमीटर क्या हो गया, रेडियस से क्या हो गया, डबल होता है। यहां से यहां तक रेडियस, सर यहां से यहां तक रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, कितनी रेडियस, टू रेडियस। तो यहां से फॉर्मूला निकल कर आया, रेडियस इज इक्वल टू व्हाट, डाया अपॉन में टू, और डाया इसका मल्टीप्लिकेशन हम रेडियस में कर देंगे तो टू इंटू में रेडियस गिव्स व्हाट, डायमीटर। तो ये फॉर्मूला हमारा डायमीटर का बन गया है। इस चैप्टर में और भी फॉर्मूले यूज होंगे जिनका नाम है सर्कम फेरेंस, परिमाप, पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, इसको मैं थोड़ा इरेज करूंगा। यहां पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे वी हैव अनदर सर्कल, ये हमारे पास एक सर्कल है जो जिसका सेंटर ओ हैगा। अब हमें इसका सर्कमफेरेंस निकालना है, मतलब इसकी क्या निकालनी है, क्या निकालनी है, बच्चा जोर से बोलो, क्या निकालनी है, इसकी बाउंड्री। तो बाउंड्री निकालने का फॉर्मूला क्या दिया भाई सर्कल ने, तो भैया सर्कमफेरेंस, ठीक है, ये सुन लो, तो 2πr, ये किसका फॉर्मूला था बेटा हमारे सर्कमफेरेंस का, हिंदी में इसे कहा जाता है परिधि, क्या कहा जाता है बेटा, परिधि। इंग्लिश में सर्कमफेरेंस भी बोलते हैं बेटा, इसे पेरीमीटर भी बोल देते हैं, पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, पेरीमीटर का मतलब भी क्या होता है, बाउंड्री होता है, और सर्कमफेरेंस का मतलब भी क्या होता है, बाउंड्री होता है। जो सर्कल इस बोर्ड पे जितनी भी जगह लिया हैगा बनने के लिए, उससे हम क्या बोलेंगे, सर्कमफेरेंस बोलेंगे। इज नोन एज व्हाट, सर्कमफेरेंस। रेडियस में पाई के संग किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, टू की, सो वी विल गेट व्हाट, वी विल गेट सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद सर्कल का एरिया निकालना है हमें, ठीक है, वी हैव अनदर सर्कल, ये हमारे पास एक सर्कल है और ये इसका सेंटर है। अब हमसे बोला जाए, सेंटर तो अभी भाड़ में जाए, ये हमारे पास इसका एरिया निकालना है, किसका, सर्कल का एरिया। तो एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, ये है हमारा एरिया ऑफ, अरे बदतमीज़ हो, गाने मत बजाओ, सीटी मारे, पाई आर स्क्वायर। तो बेटा इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ सर्कल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। पाई का वैल्यू अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पुट अप करना पड़ेगा। देखो पाई का वैल्यू दो होता है, बहुत सारे बच्चे को
जो अभी अभी देख रहे हैं चैनल को और बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा, टीचर ने नहीं बताया होगा, तो बेटा पाई के दो वैल्यू होते हैं 22/7 और 3.14। ये दोनों ही वैल्यू आप स्मरण रखोगे, इफ यू नॉट रिमेम्बर, ठीक है, फिर रात में आपके घर में भूत आएगा, वो आपके संग छुपन छुपे खेलेगा। इसका ध्यान रखना है आपको, पाई का वैल्यू 3.14 होता है और पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7। ये दोनों ही वैल्यूज आपको यूज करने पड़ेंगे, ठीक है, डिवाइड करने से हमें मिलता है, 7 को डिवाइड करेंगे 3 बार में जाएगा, फिर डिवीजन में ही हो जाएगा। ये बेसिक हैगा कॉन्सेप्ट है, ये 12.1 के लिए कॉन्सेप्ट है। 12.2 से स्टार्ट करेंगे तो वहां पर एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा, माइनर सेक्टर क्या होगा, मेजर सेक्टर क्या होगा, आर्क क्या होता है, लाइन, ठीक है, माइनर सेगमेंट क्या होता है, मेजर सेगमेंट क्या होता है, हम सब देखने वाले हैं, लेकिन अभी नहीं, जब वो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तब, क्योंकि इसका यूज अभी नहीं है इतना। यस और नो, आई बात समझ में? 11.1 एक्सरसाइज शुरू करने के पहले एक शानदार सा हम देखने वाले कॉन्सेप्ट, देखो कॉन्सेप्ट क्या है, सर्कल से रिगार्डिंग है, वी हैव अ सर्कल। बिफोर स्टार्टिंग द सेशन आज मैं संस्कृत पढ़ा था मॉर्निंग में, तो मैंने बच्चे को बताया भैया भगिनी का मतलब होता है बहन, क्या होता है बहन, तो मैं उसको समझा रहा भाई भगिनी का मतलब, उसने पता है, मैंने उससे कहा कि सही जोड़ लिख कर लाना है आपको, फिर उसने 5-7 मिनट में उसको लिख भी लिया अच्छे से पूरा, फिर कॉपी लेकर आया, मैंने देखा उसने, तो उसने भगिनी को पता क्या लिखा था, भागिनी, ठीक है, तो मैंने क्या बोला उससे, वो बोलने लगा कि सर ये उसका पेपर भी था इनफैक्ट संस्कृत का, मैंने बोला कि भाई पेपर अच्छे से ध्यान से करना, क्योंकि पेपर में आपको विसर्ग का मात्रों का ध्यान रखना पड़ेगा, तो बोलते नहीं सर मैं घर पे आके प्रैक्टिस कर लूंगा भागनी भागने की, मैंने भागने का मतलब बहन होता है, तो बोलते कि यस सर मैं आज घर जाऊंगा, और बहन को बोल गए भागनी भागनी सर संस्कृत का पेपर है पापा, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, गलत ना हो, भागनी अगर बोलूंगा जितने बार तो मेरे से मात्रा की गलती नहीं होगी, भागनी भागनी, तो ऐसे ऐसे बच्चे भी होते हैं, आई बात समझ में। सर्कल, सर्कल बनता है किससे, लोकस से, सेंटर से बनता है, यू नो वेरी वेल, तो ये तो सर्कल बना किससे बनवाया डियर, बिंदु, बिंदु सेंटर से, बिंदु से, बिंदु नहीं बोलते केंद्र बोलते हैं उसे, बिंदु से, बिंदु तो लड़की का नाम होता है, ध्यान लगाओ यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है माय डियर, जब जब सर्कल को एक लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ करेंगे, लेट सपोज, अब देखो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा माय डियर, आर्क क्या होता है, आर्क जिसको हिंदी में बोलते हैं चाप, चाप लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, चाप की लंबाई पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात, तीसरी बात क्या सर, माइनर सेगमेंट, मेजर मेजर गौरव आर्या, फिफ्थ वन इज वॉट, माइनर सेक्टर सारे का राज्य बता दो क्या, मेजर सेक्टर हिंदी में से कहा जाता है माइनर को, लघु लघु खंड, दीर्घ खंड, रेखाखंड बोलते हैं, दीर्घ रेखाखंड है ना, माइनर सेक्टर को हिंदी में कहा जाता है लघु त्रिज्य, मेजर सेक्टर को बेटा हिंदी में बोलते हैं दीर्घ त्रिज्य खंड, खंड ऑलराइट, तो यहां पर
जो भी सर्कल होगा, सर्कल में ये पांच कंडीशन हमेशा अप्लाई होंगी एक एक करके माय डियर। आर्क चाप बचपन में हमने देखा है काटा है माय डियर, यस और नो? आपसे कहा जाता है कि भैया 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करो, आप क्या कर रहे थे? एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करा, कंपास को आपने फिक्स किया, कंपास को मोर देन हाफ आपने ओपन किया, ऐसे कर रहे थे माय डियर। सेंटर पॉइंट पर रखकर एक आर्क लगाया, दूसरा आर्क लगाया। आर्क का मतलब होता है सर्कल को, ध्यान से देखना मेरी इस बात को, सर्कल को जब दो जगह काटा जाए और इतने पार्ट को काट के आपने क्या कर दिया, अलग कर दिया, मतलब ये पार्ट है ना ये, इसको आपने अलग कर लिया, इसी को क्या बोलते हैं माय डियर? आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्क। सर्कल में से एक छोटा सा पार्ट आपने काट के अलग कर लिया, उसी को हम क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? चाप। ठीक है, जब आप यहां पर, ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई अच्छे से, आई ना बेटा? तो आर्क ये होता है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या हमारा? लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है? अभी जो आर्क काटना बच्चा हमने, ये वाला सर्कल में से जो हमने इतना हिस्सा अलग करा बच्चा, इसकी लंबाई आपको निकालनी पड़ेगी। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूले पर भी नहीं जाऊंगा, वो आपको बाद में बताऊंगा मैं। बट अब आगे है मेजर सेगमेंट। कौन सा सेगमेंट? मेजर, सॉरी माइनर सेगमेंट। तो बहुत ध्यान लगाओ, वापस से हम सर्कल को यहां पर बनाएंगे। अब बहुत ध्यान से देखो बेटा, माइनर सेगमेंट, जब किसी भी सर्कल के अंदर आप अगर एक लाइन ड्रॉ कर दो, कहीं भी, यहां कर दो, यहां कर दो, यहां